ओके गाइस, एक बहुत ही बड़ी अपडेट। आपका री रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट 30 जून है, तो 5 दिनों का टाइम है आपके पास। जल्दी से जाकर के अपना री रजिस्ट्रेशन करवा लो। ये क्यों जरूरी है मैं आपको बता देता हूँ। वो इसलिए जरूरी है कि जब आपका 1 साल का कोर्स कंप्लीट होता है तो ही आपको एग्जाम देने के लिए अलाउ किया जाता है। तो सपोज आपका 1 साल का कोर्स कंप्लीट हो गया है फर्स्ट ईयर का और आप एग्जाम दे रहे हो, और अगर आप वेट करते हो कि अगली बार जब आपका रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद आप सेकेंड ईयर में एडमिशन कराओगे, तो ये गलती बिल्कुल मत करना। क्योंकि 30 जून सपोज आपका लास्ट डेट है, आप अभी एग्जाम देने वाले हो जुलाई में, है ना। आप फर्स्ट ईयर में हो, आपका जुलाई में एग्जाम होने वाला है और 30 जून आपका री रजिस्ट्रेशन सेकंड ईयर में एडमिशन लेने का लास्ट डेट है, तो आप क्या करोगे? आपको लगेगा कि नहीं एग्जाम देते हैं, रिजल्ट आएगा फिर कराएंगे, ऐसी गलती मत करना। अगर आप दिसंबर, तब आपको दिसंबर में एडमिशन कराना पड़ेगा। आपका जो जून का साइकिल है वो अब जनवरी का साइकिल हो जाएगा, तो 6 महीने आपको अपने बर्बाद नहीं करने हैं। आप एग्जाम दो मत दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको एडमिशन सेकेंड ईयर में करा लेना है ताकि जब भी आपका जो आपका 1 साल है वो इस टाइम से शुरू हो, इस वाले जुलाई से स्टार्ट हो और अगले जुलाई पे खत्म हो जाए। आप जब एडमिशन कराओगे उसके बाद 1 साल आपका कंप्लीट होगा तो ही आप सेकेंड ईयर के एग्जाम दे पाओगे। तो ये नहीं करना है, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपको एडमिशन आपका 1 साल कंप्लीट हो जा रहा है, फटाक से अपना एडमिशन करवा लो। करवाने के बाद फिर आपका जब 1 साल कंप्लीट हो जाएगा सेकंड ईयर का, तो फिर आप सेकंड ईयर का पेपर देना। और फर्स्ट ईयर का पेपर अगर अभी देखे क्वालिफाई हो जाते हो तो अच्छी बात है, नहीं हो पाते हो तो जब दिसंबर में एग्जाम होंगे 1-2 पेपर के, तब उस टाइम पे दे देना। लेकिन री रजिस्ट्रेशन कराना बहुत ही जरूरी है। अगर आप नहीं करवाओगे तो 6 महीने आपके बर्बाद हो जाएंगे। 6 महीने आपको ज्यादा लगेगा इस कोर्स को पूरा करने में, चाहे एम कॉम हो, बी कॉम हो, मैं सभी केस में बोल रहा हूँ, 6 महीने आपके बढ़ जाएंगे कोर्स का ड्यूरेशन। तो वो गलती आपको नहीं करनी है, तुरंत जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन कराना है। गूगल पे आपको टाइप करना है इग्नू री रजिस्ट्रेशन, है ना। पहला जो रेफरेंस निकल के करके आएगा ये वाला वेबसाइट आपको दिखेगा स्क्रीन पे, onlinerr.ignu.ac.in। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, ये पेज आपका खुल जाएगा। ये पेज निकलने के बाद आई हैव रीड द इंस्ट्रक्शन प्रोसीड फॉर री रजिस्ट्रेशन पे जाना है। जाने के बाद आपको यहाँ पे आपका जो इग्नू का आईडी था, आईडी एंड पासवर्ड था, है ना, वो आपको यहाँ पे डाल करके लॉगिन करना है। और जाने के बाद फिर आपको वहां पर आपको ऑप्शंस मांगे जाएंगे, आपसे पेमेंट के लिए पूछा जाएगा, आपको पेमेंट करना है और आपका सेकंड ईयर में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। याद रखो, एग्जाम अभी दे पाओ नहीं दे पाओ, लेट से दो, रिजल्ट कब आएगा उससे फर्क नहीं पड़ता। 1 साल अगर आपका कंप्लीट हो गया है फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिए हुए, तो आपको सेकंड ईयर में अपना एडमिशन करवा लेना है बिना सोचे समझे, ठीक है। इसको शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा, ताकि उनको भी ये बात पता चल पाए, वो मिस ना करें अपना 6 महीना। एंड मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखो, बाय, थैंक यू।